आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती तो हर राज्य में होनी चाहिए थी। और ये 6 चरण के चुनाव के अंदर भी भारी रिगिंग हुई, मगर 5वें चरण के बाद उनको हार सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसलिए इन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का प्रयास किया है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि जहां व्यवस्था ठीक है वहां तो चुनाव ठीक हो रहे, जहां रिगिंग करने का प्रयास हो रहा है बंगाल के अंदर, चुनाव आयोग मूक प्रेक्षक बना हुआ है, चुनाव आयोग ने तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। देश भर के अंदर जो हिस्ट्री सिटर होते हैं, पैरोल फरलो कुदाकर जो लोग आए हैं और जो लोग फरार हैं, उनको चुनाव के दिन अरेस्ट किया जाता है, बंगाल के अंदर 107 का बॉन्ड लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। एक दो स्टैंडर्ड चुनाव आयोग ने क्यों बनाए? बंगाल के अंदर एक भी जगह हिस्ट्री सिटरों की अरेस्ट नहीं हुई, क्यों चुनाव आयोग चुप बैठा है? उनके ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं? मेरे पास सूचना है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है कि जब तक ये गुंडों को पकड़ेंगे नहीं, ढंग से चुनाव नहीं हो सकते। फिर भी चुनाव आयोग ने यहां से गुंडों को पकड़ने की सूचनाएं प्रारित नहीं की। अगर इसी प्रकार से चुनाव कराना है बंगाल के अंदर, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ढेर सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। और मित्रों, मैं अभी भी चुनाव आयोग को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि 1 चरण बचा है, कम से कम 1 चरण के अंदर बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए करना चाहिए। 2 दिन पहले दीदी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि मैं बदला लूंगी, भाषण में धमकी दी। क्यों संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग ने? उनके प्रचार पर क्यों बैन नहीं किया गया? और ममता दीदी ये मानती है कि हिंसा का कीचड़ फैलाकर वो चुनाव जीत लेगी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आयु में आप मुझसे जरूर बड़ी हो, अनुभव मुझे आपसे ज्यादा है चुनाव लड़ने का, लड़ाने का। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जितनी भी हिंसा का कीचड़ फैलाओगी, कमल उतना ही बड़ा बनकर खिलकर बाहर आएगा और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी।